जकार्ता ट्रैफिक से भरा वो शहर है जहां पैदल चलने वालों का सड़क उबूर करना बहुत ही दुशवार गुजार काम होता है इंडोनेशिया के दारकूमत के बीचों बीच फैशन के पुर्तारों का झमटना मुकामी पुलिस के लिए एक बड़ा मसला मगर टीन की गैर गैरमूली दिलचस्पी का सबब बना हुआ है जकार्ता के डाउनटाउन में उस रस्मी अज्तमा ने शहर के मजाफती लाखों बशमोल सियातायाम के तमाम मुहिम जो फैशन डिज़ाइनर्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है जिसे सियातिया फैशन वैक का नाम दिया गया है नौजवानों की गैर गैरमूली दिलचस्पी का मरकज बने हुए टिकटॉक और समाजी रबतों के एक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस फैशन शो की वीडियोस वायरल हुई और सीतायाम से ताल्लुक़ रखने वाले फैशन डिजाइनर्स और इस शोबे से शाफ रखने वालों को रातों रात बहुत ज्यादा शोहरत मिल गई उन इंडोनेशियाई नौजवानों को इसके जरिए न सिर्फ मॉडलिंग की जानब मिले लेकिन इसके अलावा मदा की तदाद में इंतहा इजाफा भी हुआ एक अठारह साल रिकात ने एफ पी को बयान देते हुए कहा मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि ये वो मुकाम है जहां मैं अपने फैशन स्टाइल की अपने अंदाज में तख्लीक कर सकता हूँ और इसका भरपूर इजहार कर सकता हूँ यह सब कुछ बहुत दिलचस्प और तफरी से भरपूर है यहां इतने सारे लोग हमें मिलते हैं और मैं नए दोस्त बना सकता हूं मैं तो घर जाना भी नहीं चाहता जकार्ता का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहाँ बेशुमारो इमारतें जदीद तर्ज के कैंपर और मॉडर्न रेस्टोरेंट की भरमार होती है यहाँ वो जगह है कि इसी शहर के मरकजी इलाकों में उमूमन सड़कों पर गाड़ियाँ नहीं चलती जबकि पैदल चलने वालों के लिए भी जवाब बने हुए हैं ऐसे शहर के मरकज में किसी अजतम का एहतमाम या जलसे वगैरह का इक़ाद बहुत मुश्किल तस्वूर किया जाता है इसके बावजूद इंडोनीशी नौजवान की एक बड़ी तदाद ट्रेनों का सफर तय करके जगह पहुंच रही जहां इस फैशन शोज का इनका हो रहा इस इलाके में पुलिस पहले ही वॉक करने के रास्तों पर पाबंदी आयद करने के लिए तैनात कर दी गई है पुलिस अहलकार लाउड स्पीकर पर हजूम को सड़क से दूर रहने की तनबिया करते हुए देखे जा सकते हैं